दोस्तों आज की कहानी है अकबर बीरबल की कहानी। आगरा कौन सा रास्ता जाता है। बादशाह अकबर को शिकार करना बहुत पसंद था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। शिकार करते करते वो इतने आगे चले गए कि वो अपने दल से छूट गए। उनके साथ बस कुछ ही सैनिक रह गए थे। अब शाम होने को थी और सूरज ढलने वाला था। साथ ही अकबर और उनके साथ के सैनिकों को भूख भी सताने लगी थी। काफ़ी दूर निकल आने पर बादशाह अकबर को ये एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। वहाँ आसपास कोई नज़र भी नहीं आ रहा था जिससे रास्ते के बारे में पूछा जा सकता था। थोड़ी देर और चलने पर उन्हें एक तिराही नज़र आया। बादशाह को ये देखकर थोड़ी खुशी हुई कि चलो इनमें से कोई ना कोई रास्ता राजधानी तक तो जाता ही होगा। लेकिन सभी इस उलझन में थे कि किस रास्ते पर चला जाए। तभी सैनिकों की नज़र सड़क किनारे खड़े एक छोटे से लड़के पर पड़ी। वह लड़का बड़ी हैरानी से महाराज के घोड़ों और सैनिकों के हथियारों को देख रहा था। सैनिकों ने उस बालक को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा, ए लड़के, इनमें से कौन सा रास्ता आगरा जाता है। ये बात सुनकर वे बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने शांत भाव से उससे उसकी हंसी का कारण पूछा। लड़के ने जवाब दिया, ये रास्ता चल नहीं सकता तो ये आगरा कैसे जाएगा। आगरा पहुंचने के लिए तो आपको खुद चलना पड़ेगा। महाराज उस लड़के की सूझबूझ को देखकर चकित रह गए। उन्होंने प्रसन्न होकर उस बच्चे का नाम पूछा। लड़के का जवाब में अपना नाम महेश दास बताया। महाराज ने उसे इनाम में सोने की अंगूठी दी और दरबार में आने का न्योता दिया। इसके बाद बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो किस रास्ते पर चलने में आगरा पहुंच जा पाऊँगा। लड़के ने बड़ी ही सशीलता से सही रास्ता बताया और महाराज अपने सैनिकों के साथ आगरा की ओर चल पड़े। ये लड़का बड़ा होकर बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बादशाह अकबर के नवरत्न में भी एक कहलाया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान और सूझबूझ से काम करना चाहिए। दोस्तों गुड मैसेज ट्यूबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे दोस्तों। हैव अ नाइस डे।